महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन के सिद्धनाग क्षेत्र में सिद्धेश्वर महादेव के नाम से 11वें महादेव विराजमान हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवदारू वन में ब्राह्मण एकत्र होकर अपने लिए सिद्ध प्राप्त करने हेतु अनेक प्रकार से तप करने लगे, परंतु उन्हें सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। तब उनका तप से विश्वास उठ गया और वे नास्तिक हो गए। तब आकाशवाणी हुई कि आपने स्वयं के स्वार्थ के लिए एक दूसरे से स्पर्धा करते हुए तप किया है, इसलिए तुम्हें सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है। आप महाकाल वन में जाओ और वहाँ वीरभद्र के पास स्थित लिंग की पूजा करो। उसकी पूजा करने से सनकादिक को सिद्धि प्राप्त हुई, राजा वसुमति को खड़क सिद्धि, हैहय को आकाश गमन की सिद्धि, कृतवीर को 1000 घोड़े, अरुण को अदृश्य होने की ऐसी कई सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। उस लिंग की पूजा से तुम्हें भी सिद्धि प्राप्त होगी। तब वे ब्राह्मण महाकाल वन में आए, उन्हें उस लिंग के दर्शन से सिद्धि प्राप्त हुई। जो मनुष्य 6 महीने तक नियम पूर्वक सिद्धेश्वर का दर्शन करते हैं, उन्हें वांछित सिद्धि प्राप्त होती है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी को जो सिद्धेश्वर के दर्शन करता है, उसे शिवलोक प्राप्त होता है। संक्रांति, सोमवार और ग्रहण पर जो सिद्धेश्वर की पूजा करता है, उसके सब पितर तर जाते हैं। चौरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।